हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा टेक्निकल असिस्टेंट के जॉब निकला हुआ है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट में 25 पोस्ट निकला हुआ है, जिसका यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया गया पोस्ट कोड की हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से टेक्निकल असिस्टेंट के बहुत सारे जो कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा पोस्ट के कौन सा कोड में क्या क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चाहिए और किस तरह से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट और इसका पोस्ट कोड है TA01। अगर आप जब भी अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, पोस्ट कोड जो है TA01 टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके BSc विद फूड टेक्नोलॉजी और वैकेंसी है यहाँ पे 1 और एज लिमिट आपको मैक्सिमम 28 ईयर्स तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ सैलरी आपको 35,400 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर पोस्ट कोड जो है TA02, जिसके वैकेंसी है 1 एंड इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BSc विथ माइक्रोबायोलॉजी और एज लिमिट इसका सेम रहेगा और सैलरी भी इसका सेम रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट कोड जो कि है TA03, जिसका टेक्निकल असिस्टेंट के अंडर वैकेंसी है 5 और इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और इसका एज एंड सैलरी इसका सेम ही रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर पोस्ट कोड जो है TA04, वैकेंसी है 5 एंड इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विद फूड टेक्नोलॉजी और एज लिमिट और सैलरी इसका सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड जो है TA05 टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 28 ईयर्स और सैलरी रहेगा 35,400 टू 1,12,400। इसके बाद जो पोस्ट कोड है TA06 टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर वैकेंसी है 2 और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए BSc विथ केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री, एज लिमिट एंड सैलरी इसका सेम रहेगा। उसके बाद जो पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के अंडर पोस्ट कोड TA07, जिसका वैकेंसी है 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे BSc इन हॉर्टिकल्चर और एज लिमिट और सैलरी इसका सेम रहेगा। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर पोस्ट कोड TA08, वैकेंसी है 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इसका BSc विद फूड साइंस बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके लास्ट पोस्ट जो है यहाँ पे है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड जो है TA09, जिसके लिए यहाँ पे BSc विद माइक्रोबायोलॉजी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एंड उसके साथ साथ एज लिमिट और सैलरी इसका सेम रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड जो दिया गया है TA10, जिसका वैकेंसी है 1 और क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और एज लिमिट और सैलरी इसका सेम रहेगा। उसके बाद पोस्ट कोड जो है TA11, इसके साथ साथ यहाँ पे वैकेंसी है 1, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके साथ साथ पोस्ट कोड जो है यहाँ पे TA12, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विथ BLIB साइंस एंड मैक्सिमम जो एज लिमिट 28 ईयर्स एंड सैलरी इसका सेम रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे पोस्ट कोड जो कि यहाँ पे दिया गया है, आप लोग वन बाय वन जो कि चेक करके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या डिटेल दिया गया है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 28 ईयर्स। इसके साथ साथ जो लोग SC ST OBC PWD है, एक सर्विसमैन, उन लोगों के लिए यहाँ पे एज रिडक्शन जो कि मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन में जाके अप्लाई करना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिलेक्शन होगा और एप्लीकेशन फ़ीस जो कि यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेगा जो लोग जनरल एंड OBC है उन लोगों के लिए, और जो लोग SC ST PWD वोमेन एंड एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस
नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 3 जनवरी 2018 इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।